सो हे गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बात ऐसा है कि ये जो व्लॉग है इसके स्टार्टिंग में मैं अभी इसलिए आया हूँ कि क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है कि रिलेटेड एडॉप्शन ऑफ डॉग, और आपको जो भी है लाइक डॉग एडॉप्ट करना है या जैसे कुछ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको डॉग मतलब अगर आपको डॉग लेना है तो आप बेटर है कि आप लोग एडॉप्ट कीजिए। जैसे कि बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पे आपको डॉग एडॉप्ट करने मिलते हैं, आपको इतनी सारी ऑप्शंस मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग मिलते हैं। तो ऐसा क्या है, इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी डॉग को अगर आप एडॉप्ट करते हो तो उसमें क्या है कि जो डॉग है उसको आप एक नई ज़िंदगी दे रहे हो। और कोई कोई डॉग जो होते हैं ऑलमोस्ट ऑलरेडी ट्रेन होते हैं एडॉप्शन के वेबसाइट पर। तो ये है, ऐसी बात है। तो मैंने भी जो डॉग लिया है, मैं भी चाहता था कि मैं खरीदूँ। फिर बाद में मैंने सोचा कि अरे यार, ख़रीदने से क्या होगा क्योंकि इतने सारे हमारे देश में डॉग्स है। फिर बाद में मैं भी एक्चुअली लेने गया था, बट बाद में मुझे दूसरा डॉग मिला एंड उसका मेरा जो बॉन्डिंग बना, हम लोग का जो हम जब मैं उसे मिलने गया देखने मीट एंड ग्रीट करने गया, फिर जो उसका जो मेरा बॉन्डिंग बना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था ना, तो उसकी वजह से फिर बाद में मैंने सोचा कि अरे चलो मैं आज मतलब मैं इसे एडॉप्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो इतना अच्छा इतना मस्त था। जो उसका नाम स्कूबी है, हमने उसे लोअर परेल से लिया था। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के कि इतने सारे हमारे इंडिया में डॉग्स हैं जो बेघर है, जिन्हें कोई कोई लोग लेते हैं, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम के वजह से उन्हें रोड पे छोड़ देते हैं, फिर ये एनजीओस और एडॉप्शन सेंटर्स उन्हें लेती है तो वेट करते किसी फैमिली का। तो यार मेरा जो कहना है ना, मेरा कहना ये है कि आप शॉप मत करो, डॉग को ख़रीदो मत। देखो आप एक बार एडॉप्ट करके देखो, एडॉप्ट करने का मज़ा अलग है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि डॉग अगर वो छोटा रहता है, बचपन से रहता है तो उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, बट वो भी है एक अच्छा है, मैं भी चाहता था। बट फिर बाद में जब मुझे मिलाना है, उसको भी मिलाना है, यार बहुत भाई क्या सही ब्रीड है यार, क्या सही डॉग है, ऑलरेडी वो वेल ट्रेन है, अच्छा बिहेवियर है। तो है इनकी कुछ प्रोसेस होती है, अगर आपको चाहिए तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो या बस आगे मैं इसलिए ये वीडियो स्टार्टिंग में डाला कि ताकि कोई कोई लोग होते हैं ना कि एंड तक देखते नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो ये मुझे स्टार्टिंग में चाहिए वीडियो के, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। कोई कोई लोग स्टार्टिंग देखते फिर एंड तक जाते नहीं, छोड़ देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने सोचा कि इसे स्टार्टिंग में डालता हूँ। चलिए फिर ज़्यादा कुछ और बात नहीं करेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अब मैं चाहता नहीं इतनी लंबी वीडियो हो, तो बस यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यार थोड़ा लेट बना रहे हैं ये व्लॉग, तो हम जा रहे हैं पेट अडॉप्शन के लिए। जी हाँ, पेट अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। सब प्रोसीजर हो गया है पूरा, फाइनली हमको मिल रहा है एक लैब, तो हम उसी को लेने जा रहे हैं फिलहाल। तो बनाना एक्चुअली व्लॉग सुबह से था, लेकिन कुछ शेड्यूल का प्रॉब्लम हो गया तो इसके वजह से, और प्लस लॉकडाउन भी चल रहा है, तो अभी हम लोग हैं परेल जा रहे हैं, दादर में पहुँचे हैं फिलहाल। तो अब आगे जाके आपको बताएंगे। एक बार हम पहले ही डॉग को मिल के आ चुके हैं, तो तभी उन्होंने कहा था एनजीओ वालों ने कि हम आपको बताएंगे कॉल करके। तो हम वेस्टर्न एक्सप्रेस वे में थे 20 मिनट्स अहेड, फिर उनका कॉल आ गया कि आप अभी लेकर जा सकते हो। तो फिर बाकी का वीडियो मैं आपको डॉग के पास जाके बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। या आई नो काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, कुछ कंटेंट था नहीं हमारे पास बनाने के लिए, तो बस सही है। तो बाकी जो है, अभी हम लोग आए हैं दादर, विरार से दादर आए हैं डॉग एडॉप्शन करने के लिए। तो हमारी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी कि एडॉप्शन करना है कुछ, तो आज फाइनली वो डील हो गया है, तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं, बस 5 मिनट की दूरी पर। तो लैब्राडोर है और एडॉप्ट करने वाले फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग। सो मेरा दोस्त राहुल कित इसके लिए आए क्योंकि वो प्रोफेशनल है डॉग के साथ, 13 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। ये इसी आया क्योंकि शायद कुछ काम धंधा है नहीं घर पे, कुछ करने को छाने बोलता बोर हो गया, तो चलो चलते हैं। सुबह से भटक रहे भूखे प्यासे, सिर्फ चाय और टोस्ट खा के आया हूँ मैं तो। उठाऊँ सुबह 8 बजे, विरार से आए हम लोग लोअर परेल, 2 घंटा कुछ पहले, नहीं रहो इतने, कुछ नहीं खिलाया। पहले माहिम गए फिर अभी लोअर परेल, हालत है पूरी ख़राब, बहुत भूख से तो एकदम, एक तो लॉकडाउन चल रहा है तो मैं बाहर खाने का पूरा अवॉइड कर रहा हूँ, भूख के प्यासे इस कंटेनमेंट जोन में हम अपने
इरादे बुलंद करने आए हैं, नेक इरादे। रोहित सर फाइनली कुत्ता मिलने वाला है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, इतने दो महीने के बाद आखिरकार हमें मिल रहा है। अच्छा लगता है कि शॉप ने करके अडॉप्ट करना, तो अभी कीजिए, डोंट शॉप, अडॉप्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाल दूंगा बाद में, डाल दूंगा देख लेना। तो भाई ये डॉग का ऐसा है कि ये एक डेढ़ साल के बीच का है, और इसका जो प्रीवियस ओनर जो था उसको एक्चुअली रेस्क्यू किया हुआ है। तो उसका जो प्रीवियस ओनर था ना, वो उसको सिगरेट बर्न करता था, उसको मतलब काफ़ी बेल्ट वेल्ट से मारता था, तो हमने इसको अडॉप्ट कर लिया फिलहाल। ठीक है, यार इतने क्यूट डॉग्स, यार लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सबको कोरोना को भी लाइक मिलना चाहिए। अगर लाइक नहीं किया तो कोरोना हो जाएगा, और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा आएगा। सब्सक्राइब भी करना, भगवान करे किसी को ना हो। स्कूबी डज लाइक पैशन प्रो, स्कूबी को स्पोर्ट्स बाइक पसंद है। स्कूबी विल राइड थंडरबर्ड, स्कूबी विल राइड द थंडरबर्ड, थंडरबर्ड एक्सेस आरआर 310, व्हाट इज योर राइड, हां व्हाट इज योर राइड, हां व्हाट इज योर राइड, व्हाट इज योर राइड, व्हाट इज योर राइड, स्टड डॉग, विल बी द स्टड डॉग, हे यग्री यग्री यग्री। हाँ, हमारे साथ है हमारा नया मेहमान स्कूबी। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये भारी भी है।
आराम से 28 टू 30 केजीस, लाइक 30 के 20 के ऊपर ही है। तो आपको कैसा लग रहा है व्लॉग में आके? हाँ बोलिए। देखो तो क्या ये सुन के लेंस सुन लूंगा मैं यो सीट बेल्ट चेक कर रहा है। और जरा सी बारिश और बॉम्बे में पानी भरे ना ऐसा हो ही नहीं सकता। जरा सी पानी है। What are you doing, man? What are you doing? Huh? What are you trying to do? Huh? You're trying to woo me? अरे, तुमने पूरा पीछे का सीट है, तो मेरे गोद में क्यों बैठा है आगे? ओके, अच्छे से बैठ जा। ओके, बैठ जा। I need to be comfortable, comfy. Hello. Say hello to the camera. Hello. Where are you guys taking me to? Lonavala? इगतपुरी ले चलो, मुझे इगतपुरी पसंद है। मुझे तुम शहर से गांव लेके जा रहे हो विरार? So yeah, I hope you guys like the video. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे, यार ये गलत कर रहे हो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? चलो मेरे लिए नहीं सही, आज का ये वीडियो स्कूबी के लिए है, एक डॉग के लिए है, एक प्यारे जानवर के लिए है। तो उसके नाते ही आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं जानता यार, शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार, कैसे भी करके स्कूबी के लिए एटलीस्ट। कम ऑन गाइस, व्हाट यू आर डूइंग। और इसे जितना हो सके उतना आप इसे शेयर कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को। आप एडोप्ट कीजिए, शॉप मत कीजिए। एडोप्शन फ्री होते हैं, चार्जेस नहीं होते ज़्यादातर। आप क्यों खरीदने आ रहे हो, कहीं के लिए इतना पैसा वेस्ट कर रहे हो? एडोप्ट करो, एक जानवर को नई ज़िंदगी दो। चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, एटलीस्ट उस जानवर के लिए, प्यारे से जानवर के लिए। चलो मिलते फिर जल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।